हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी टू आर स्टडी में। दोस्तों आज मैं वीडियो लाऊं, इसे बताऊंगा दोस्तों आपको जो केमिस्ट्री में जो तत्व है उनके प्रत्येक लिखने का जो विधि होता है उसके मैं वर्णन करूंगा। लेकिन दोस्तों ये वीडियो जो इसमें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, सबसे पहले प्राचीन काल में कैसे वो लोग सोना को, जैसे कि सल्फर को, फास्फोरस को कैसे लिखते थे, साधारण नामों को, उसकी विधि को देख लेते हैं। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बात करूंगा। तो सबसे पहले पुरानी बातों को देखते हैं कैसे लिखते थे। जैसे कि पहले आप देखते थे सल्फर लिखते थे, सल्फर का कोई बोलता था ना झट से तो फट से लिखते थे क्या एस। तो ऐसा नहीं, इसके पहले कुछ देखते हैं इसका कथन क्या है। इसके पीछे जो कीमियागर थे और जो डाल्टन के द्वारा देख लिया गया था वे कैसे लिखते थे तत्वों का प्रतीक सैम्बोल, देखते चलिए। तो सबसे पहले देखते क्या प्राचीन काल में जो कीमियागर के थे निवासी, वे लोग क्या करते थे कि कुछ तत्वों का जो जैसा लिखते थे उसका संकेत उसको पहले देखता हूँ, फिर उसके बाद देखूंगा इसका डाल्टन के द्वारा जो प्रतीक दिया गया था तत्वों का उनमें से कुछ को देखूंगा कैसा। आप देख सकते हैं आपको दोस्तों जैसे अच्छा लगा, क्योंकि ज्यादा नहीं बस आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये जो आप लिखते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, सल्फर, बहुत सारा उससे हटके सोना का बहुत सारा इसमें देखूंगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले देखते कीमियागर के द्वारा जो लिखा गया था कीमियागर द्वारा तत्वों का प्रतीक, ठीक है इस साइड में। तो क्या कीमियागर द्वारा, तो दोस्तों वे लोग क्या करते थे, जैसे कि नमक लिखना रहता था तो आप इसका क्या लिखते हैं NaCl लिखते हैं, तो वे लोग क्या करते थे NaCl वे नहीं लिखते थे, वे क्या करते थे कि एक ऐसा वृत्ताकार सर्किल पार करते थे और सर्किल पाते थे और इसमें क्या करते थे दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या करते थे कि दोस्तों ऐसे कर देते थे और ऐसे कर देते थे। तो ये जो कर देते थे उन्हीं का पहचान था क्या NaCl, बोले तो साधारण नमक का वो इस जो कि कीमियागर के निवासी थे वे लोग थे जो क्या करते इसको क्या बोलते थे साधारण नमक, जो आप लोग NaCl लिखते हैं तो इसको क्या बोलते थे साधारण नमक, यानी कि साधारण नमक का प्रतीक सिंबल ये था। अब दोस्तों एक और देखते देखिए, ये तो साधारण नमक का हो गया दोस्तों। अब वे किलो क्या करते थे दोस्तों, चांदी लिखना रहता था चांदी, तो चांदी को क्या करते थे दोस्तों ऐसे क्या करते थे चांद टाइप के पा देते थे, चांद देखे उसी टाइप का रहता था ऐसे, ये जो था दोस्तों इसी को बोलते थे वे लोग क्या चांदी, ठीक है। और यदि उनको टीना लिखना रहता है टीना समझते हैं, तो टीना तो क्या लिखा ऐसे करते थे और इन्हीं को बोलते थे वे लोग टीना, ये टीन है ठीक है। हम लोग क्या लिखते हैं एसन लिख देते हैं, तो वे लोग इसी इसको बोलते थे टीन बोलते थे। अब दोस्तों देखिए अब हम उनको शीशा पीवी लिखते हैं, लेकिन वो लोग लिखते थे ऐसे, जब क्या लिखते हैं इसका क्या करते थे दोस्तों उल्टा करते थे, ये जो रहता था इसी को बोलते थे दोस्तों शीशा, बोले तो लेड भी बोल सकते हैं, लेड बोलते थे इसको। और दोस्तों एक मस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये तो लेड बोलते थे, अब लोहा का बात आता है दोस्तों, तो लोहा को ऐसे करते थे बीच सर्किल पार कर और यहाँ से ऐसे तीर का चिन्ह देते थे और इसी को बोलते थे दोस्तों वे लोग लोहा। अब कॉपर लिखने की बात आती थी तो कॉपर कुछ नहीं करते थे वे लोग, ऐसे सर्किल पार करते थे गोल टाइप के पार खुले ऐसे पा देते थे और यहां से ऐसे करके एक ऐसे कर देते थे और इसी को वे लोग बोलते थे कॉपर, ठीक है। अब तो कॉपर का नाम तो बता दिया हूं दोस्तों, एक दोस्तों कॉपर तो ये ठीक है, कॉपर में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये दोस्तों कॉपर तो मैं बता दिया। ऐसे तरह से देखिए 1 2 3 6 है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सिंबल है क्योंकि इसी के हिसाब से दोस्तों वे लोग इसी तरह के बताते थे किसका चांदी का, साधारण नमक का, टीन का और लेड का, लोहा का, कॉपर का। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं किसका डाल्टन का, जो डाल्टन दिए थे वे लोग क्या उन्हें कैसे बनाते थे डाल्टन जो थे उसको देखते हैं बारे में। डाल्टन जो थे उन्होंने कैसे तत्वों का प्रतीक दिए थे उसके बारे में देखते हैं, यानी कि यार लिखता हूं क्या डाल्टन द्वारा दिए गए तत्वों का प्रतीक, ठीक है। तो डाल्टन जो दिए थे तत्वों के प्रतीक दोस्तों, तो उसके बारे में देखते हैं कैसा है। तो दोस्तों यहां देखिए
ये तो आपको ज्यादा ये तो इससे प्रश्न नहीं करेगा आपको, इसको सबसे पहले जो सिंबल लिखने से पहले केमिस्ट्री में ये आप जान लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही खुशी बात होगी, क्योंकि इससे पहले जानेगा तब तो आप किसी से पूछेगा अधिकांशतः बच्चों से तो इसमें नहीं बता पाए वो असमर्थ हो इससे बताने में, कितना सारा डिप्लेट जाइएगा तो आपको थोड़ा सा माइंड अपग्रेड होगा और माइंड आपको फ्रेश रहेगा, आप थोड़ा सा ज्यादा विकसित भी होगी। तो चलिए डाल्टन के द्वारा देखते हैं, तो जो ये तो आपको क्लियर हो गया इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डाल्टन बस कुछ नहीं किया, मान लिया आपको कहा लिखना था क्या ऑक्सीजन लिखना है, तो क्या करते थे कि ऐसे गोल पार है इन्हीं को बोलते थे वे लोग क्या ऑक्सीजन, इसी को दोस्तों क्या बोलते थे वो लोग ऑक्सीजन बोलते थे ऑक्सीजन, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद क्या था दोस्तों ऑक्सीजन तो ये लिख दिया है, अब दोस्तों देखिए ऑक्सीजन ठीक है, अब मान लीजिए आपको लिखना है मान लीजिए फास्फोरस, फास्फोरस जानते हैं फास्फोरस कब पे लिखते हैं तो फास्फोरस पे लोग ऐसे करते थे गोल पार दिए और यहाँ से एक ऐसा लाइन लाते थे और ऐसा ये है उनका फास्फोरस, बताइए हम लोगों से क्या ये हार्ड भी है, क्योंकि जो सिंबल क्या बोलता है कोई भी यदि तत्व है उसको संक्षिप्त रूप में उसको ऐसा विधि से लिखिए संक्षिप्त में उसका सारा गुण आ जाए उसका सिंबल आ जाए, लेकिन वे लोग इतना बड़ा लिखते थे किसका फास्फोरस का। ये आपको बहुत ही बेसिक क्लास है जितना संकेत और प्रतीक केमिस्ट्री का जैसे उसका सिर्फ बेसिक क्लास है, इसलिए आप इसे अच्छे से समझे। ये फास्फोरस हो गया, अब मान लीजिए फास्फोरस तो लिख गया, अब बोलेगा सल्फर का, तो सल्फर का कुछ नहीं दिमाग लगाना है यार, ऐसा ही सर्किल पढ़ा जाएगा और यहाँ से ऐसे कर देते थे और ऐसे कर देते, बताइए ये चार भाग में विद्युत को बांटा, इसी को वो लोग बोला करते थे सल्फर, कौन डाल्टन ने इसको व्यक्त किए थे, डाल्टन व्यक्त किए थे तो ये ठीक है। अब सल्फर का तो बात क्लियर हो गया दोस्तों, अब आता है कार्बन का बात, तो कार्बन कुछ नहीं ऐसा ही सर्किल पार देते थे और पार का क्या करते दोस्तों इसको आप पूरी साइड में रंग दीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा क्या कार्बन, इसको बस रंग दीजिए आप समझिए रंगा हुआ पूरा इसका पार्ट रंगा हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों कार्बन। अब दोस्तों कार्बन को तो मैंने लिख दिया दोस्तों, कार्बन भी हो गया दोस्तों, अब देखिए मान लीजिए चांदी का लिखना है सिल्वर का लिखना है तो कुछ नहीं ऐसा सर्किल पाड़िए और उसमें एस लगा दीजिए ये हो गया सल्फर। मान लीजिए लोहा लिखना है तो वे लोग लोहा को लिखते थे ऐसा यहाँ पे आई लगा देते थे आयरन, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आयरन तो आ गया दोस्तों, यहाँ पे लोहा भी आ गया दोस्तों, देखिए शीशा है शीशा दोस्तों शीशा का दोस्तों शीशा का नहीं, यहाँ पे देखिए एक बार चांदी सबसे पहले बात है यहाँ पे क्या सोना का देखना था, सोना का देखूंगा कैसे, बस सोना तो क्या होता है गोल होता है जी से तो जी बस यहाँ पे लगा दीजिए जी लगा दीजिए ठीक है। यहाँ पे उसको ऐसे कर देते थे ऐसे जो तीर होता है ना त्रिभुज और इसको रंग देते थे, ये सब देखिए आप बहुत ही अच्छे बेसिक क्लास है, इससे आपको ज्यादा बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में, क्योंकि इसे भी जानिएगा तब आगे आगे जाइएगा कि अंदर की बात आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसको क्या बोलते थे गोल्ड, हम लोग इसे सीधे एयू लिख देते हैं ऑरम, लेकिन वो लोग इसी को इतनी बड़ी विधि में लिखते थे किसको गोल्ड को ऐसे ऐसे करके वो लिखते थे किसको गोल्ड को लिखते थे दोस्तों। तो इतने सारे मैंने दोस्तों आपको बताया दोस्तों किसके बारे में गोल्ड के बारे में दोस्तों, तो इतने सारे जो है देखिए तीन तीन छह एक साथ इसमें भी दोस्तों इतने देखिए इसमें एक आएगा इसमें चांद सोना का लिख दिया हूँ सोना, इसमें एक सोना का छूट गया ठीक है तो इसमें भी एक सोना का लगा देता हूँ, वे लोग ऐसे कर देते हैं और यहाँ से एक ऐसे पार देते थे सबके ये हमारा हो जाता था सोना, वे लोग इसको लिखा करते थे ठीक है। मैंने आपको इसमें भी सात बताया हूँ और इसमें भी सात बताया दोस्तों, ये जो क्या था एक किम्यागर के द्वारा दिए गए प्रतीक तत्वों का और ये थे क्या डाल्टन के द्वारा दिए गए, तो इसमें अंतर समझ गए थे कि पहले के जमाने पहले के प्राचीन काल में ऐसे तत्वों को इतने सारे बड़े अक्षर और साहित्य सर्किल और जो क्या है फिगर यानी कि चित्र के हिसाब से बनाया करते थे, लेकिन जो अब आएगा आपको नेक्स्ट क्लास में उसे बताऊंगा बहुत ही छोटे तरीकों से बहुत ही जो तत्व का ऊपर संकेत है उसे बताऊंगा दोस्तों। ये आपको इतना सा बताऊंगा दोस्तों, तो हमारा आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा दोस्तों और वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डी टू स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब करें दोस्तों और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो आपके सामने आते रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों हमें फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम से भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहां भी ऐसे ही लेटेस्ट पॉइंट डाले जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कंपटेटिव एग्जाम में इससे जुड़े हुए प्रश्न रहते हैं तो वहां भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मिलते हैं, मिलाऊंगा इसका अगला पार्ट यानी कि जो तत्वों के प्रतीक लिखने की विधि तो उसके बारे में अध्ययन करूंगा दोस्तों। इस वीडियो का इंतजार करिए, तो जय हिंद जय भारत।